अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना चाइना में स्टडी के लिए, उस पर बात करेंगे। और उस पर बात हम इसलिए करेंगे कि जो गलती मेरे से हो चुकी है वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी करें, स्पेशली जो हम पाकिस्तान और इंडियन और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आज इस पर बात करूँगा कि हमें यूनिवर्सिटी जो है ना वो कैसे ढूंढनी चाहिए, और क्या ये इतनी ज़रूरी भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है कि मतलब हम यूनिवर्सिटी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढें, या मतलब कि जो अभी यूनिवर्सिटी मिले और बस उसमें घुस गए और अपना टाइम वेस्ट किया और निकल गए डिग्री लेकर, ना उसकी कुछ कुछ वैल्यू हो, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढनी चाहिए और क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और मेरे से क्या गलती हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, तो आप वो मतलब कि हाँ, इसमें एक और बात कि ये अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो इससे पहले मैंने दो वीडियोस बना चुका हूँ कि क्यों हमें चाइना में स्टडी करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियोस देखें, उसमें ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दूसरी कंट्रीज के बारे में भी, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ चाइना को कंसिडर नहीं करना, आपने दूसरी कंट्रीज को भी देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, उनमें क्या हो रहा है, ठीक है, चाइना और उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो इस पर मैं पहले दो वीडियोज़ बना चुका हूँ, ठीक है, और ये मेरी अभी तीसरी वीडियोज़ है, मतलब कि हमें चाइना में स्टडी करने के लिए क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए और कैसे हमें यूनिवर्सिटी ढूंढनी चाहिए, ये हमारा एक थर्ड स्टेप होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इस पे आगे क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें से पहला पॉइंट है कि हमें जब मतलब कि उसको हमें आप एरिया कह लें या सिटी कह लें, सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं उसको सिटी कह लेते हैं कि हमें सिटी कैसे चूज करनी चाहिए, कि मतलब कौन से शहर में हम आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चाइना में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तीन मतलब कि ना डिफरेंट टाइप्स के सिटीज होते हैं। फर्स्ट क्लास होते हैं जिसमें मतलब कि एजुकेशन और हाउस लिविंग और हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसमें जो स्टडी का जो मैार होता है वो भी परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो सेकेंड क्लास आते हैं वो होते हैं कि नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना बहुत ज़्यादा सस्ते, ठीक है। और उनमें भी मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि रैंकिंग में बहुत अच्छी हैं और लेकिन वो आती सेकंड क्लास सिटीज़ में है, ठीक है ना। तो चाइना की मतलब जो फर्स्ट क्लास सिटी हैं उसमें वो चार सिटीज़ आते हैं, ठीक है, बीजिंग, शंघाई, क्वांगचो एंड शंचन। ये फर्स्ट क्लास चार सिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो हाउस लिविंग है, हमारी जो कॉस्ट होती है, जो भी हम मतलब कि कह लें कि स्टडी में इधर उधर जो भी है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी 15 से 17 सिटीज़ आती हैं जो सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसमें वुहान आ जाता है, चंगचो आ जाता है, ठीक है, हांचो आ जाता है, और बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, ठीक है ना। वो मैं भी आपको, आप इससे बेस्ट तरीका यही है कि आप गूगल पे जाके सर्च करें तो वो आपको ना एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते इस बात पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये ढूंढना होगा कि हम अफोर्ड क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हम मतलब कि हम फर्स्ट क्लास सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है ना, कि हमें कौन सी सिटी में हमारी जो जेब किस चीज़ में मतलब किस सिटी को जो अफोर्ड करने की इजाज़त देती है, ठीक है ना। तो उसमें मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले ट्राई करें फर्स्ट क्लास सिटी, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वहाँ पे हाउस मतलब उसमें ये होता है कि अगर आप फर्स्ट क्लास सिटी में रहते हो ना, मतलब आप बीजिंग में रह रहे हो या शंघाई में रह रहे हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है। वैसे तो वो लीगल नहीं है चाइना में, लेकिन अब उस पर भी एक शर्त उन्होंने लगा दी है कि हम चाइना में वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो है कुछ आवर्स उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो उसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि हम चाइना में कैसे काम कर सकते हैं। बाकी जो होता है कि मतलब लुक छुप के करना है जो भी, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन बड़े सिटीज़ में ये होता है कि आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आप ज़्यादा सीखते हो, ज़्यादा जल्दी सीखते हो, ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते हो, ठीक है ना। छोटे सिटी में जाओगे ना तो वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, ना आपको वहाँ पर भी पूछने वाला होगा, मतलब वहाँ पर यही होगा कि आप घर से पैसे मंगवाएंगे और हर साल रहेंगे, ठीक है। तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है हमारे जो मतलब, क्योंकि हमारी जो करेंसीज है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ना, पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी जो है और जो बांग्लादेशी करेंसी है उसमें जो ये है कि आप हमारा काफ़ी डिफरेंस है, तो हमारे लिए थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो फर्स्ट हमारी जो मतलब कोशिश होनी चाहिए कि हम फर्स्ट क्लास सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरिया, मतलब कि अब आपने फर्स्ट क्लास सिटी तो चूज़ कर ली है, ठीक है जी, बीजिंग में आपने यूनिवर्सिटी ढूंढ ली है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी
आई बैकवर्ड में आ जाती है, अगर सिटी सिटी सेंटर से काफ़ी दूर चला जाते हो आप, ठीक है ना, आप यूनिवर्सिटी से शहर से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ जाते जाते ही आपको 2 घंटे लग जाए, 2 घंटे वापस आते लग जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, मतलब हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है हमें, वो सिटी सेंटर में होती है, ठीक है ना। अब आप अगर यूनिवर्सिटी से निकलते हो, 2 घंटे की ट्रेन पकड़ते हो या मतलब कि मेट्रो पकड़ते हो, 2 घंटे में वहाँ पहुँचते हो, वहाँ पे 1 घंटा काम किया, ठीक है, काम वापस आए, तो आपके तो मतलब 5 घंटे इस काम में ही गुजर गए, ठीक है ना। तो हमें ये भी इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो एरिया है ना वो भी सिटी सेंटर के पास ही हो, ठीक है ना, मेन सिटी के पास हो, ठीक है ना। वैसे तो पूरे चाइना में मतलब के जो ट्रांसपोर्ट है वो तो काफ़ी परफेक्ट होती है, लेकिन कभी हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें कंज्यूम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें एरिया जो है ना सेकंड जो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो होना चाहिए कि एरिया भी सिटी सेंटर के पास हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है ना, हमारे लिए। क्योंकि अगर आप एक छोटे सिटी में एक छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उसकी जो डिग्री की वैल्यू होगी और इस एक जो सिटी होगी जो फर्स्ट क्लास सिटी है जिसको हम बीजिंग कह लें, शंघाई कह लें, या कोई भी ऐसा जो सेकेंड क्लास सिटीज़ में आते हैं, या हमारी जो कोई भी एक यूनिवर्सिटी अच्छी है जिसकी रैंकिंग अच्छी है, ठीक है ना, तो अगर हम उससे ग्रेजुएट होंगे और अगर हम एक लोकल सिटी से, छोटे सिटी से, जैसा कि अब मेरे साथ हो रहा है कि मैं एक छोटे सिटी में हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी काफ़ी मतलब कुछ होता है कि जैसे 10, 20, 15, 10, 15, 20, 70, 80 इसमें आ जाती है रैंकिंग, लेकिन मेरी जो है वो मतलब 100 से ऊपर में आती है, ठीक है ना, कोई वो आ जाती है 200, 300, 400, 500 इसमें मेरी यूनिवर्सिटी आती है। तो ये मेरे से गलती हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गलती आप भी करें। जो जो मतलब ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही हैं वो आपके साथ भी होंगे, मैं भी हूँ बैचलर का स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर आप एक छोटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, आप नो मैटर मतलब कि आप, ये नहीं ज़रूरी है कि आपके ग्रेड्स कितने अच्छे हैं, ठीक है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज भी आती है, ठीक है ना। आपको देखेंगे कि मतलब अगर आपने आगे मास्टर के लिए अप्लाई करना है या अगर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो आपको देखेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। अगर तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे आगे डेवलप होने के, ठीक है, आपके पास मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, आप आगे जल्द अज जल्द मतलब कि आगे मतलब कि PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें ये होता है कि आपको मतलब वो देखते हैं, यार ये बंदा अच्छी यूनिवर्सिटी से मतलब कि ग्रेजुएट हुआ, इसको मतलब कि चांस देना चाहिए। और अगर आप मेरी तरह, अगर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी से मतलब ग्रेजुएट हो, कोई यूनिवर्सिटी भी आपको एक्सेप्ट करने में तैयार नहीं होगी जल्दी, ठीक है ना, वो भी देखेंगे कि यार ये पता नहीं छोटी सी यूनिवर्सिटी में हुआ है मतलब ग्रेजुएट हुआ है, मतलब इसको छोड़ो, कोई और अच्छा बंदा पकड़ो, ठीक है ना। और इसके बाद एक और बात ये भी होती है कि अगर आप जो मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप 4 साल में एक छोटी यूनिवर्सिटी में सीखते हो, आप बड़ी यूनिवर्सिटी में वो 2 साल में सीख सकते हो। मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे अभी 5 सेमेस्टर हो चुके हैं, मेरा 5वां सेमेस्टर अभी चल रहा है, मेरे 4 सेमेस्टर जो पहले गुजर चुके हैं उसमें मैंने 20 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है ना, सिर्फ 20 सब्जेक्ट पढ़े हैं। और जो मेरे साथ के बंदे और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो अभी तक 30 से 32 जो है ना सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप देख लें कि वो मेरे से, जाहरी बात है वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, उनके जो नॉलेज है वो मेरे से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी मैटर है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने ऐसे किसको मतलब यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए क्या करना है, सिर्फ गूगल पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपने लिखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज चाइना की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इसमें मैं एक और वीडियो भी बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ढूंढने के बाद वहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबी और आप भी देखते देखते बोरिंग बोर फील करो, ठीक है ना। तो हम कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ढूंढने के बाद, तो वो हम इस पर एक नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होगी, आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लोगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, 4 साल लगा रहे हो ना डिग्री करने के लिए, ठीक है ना, तो यार अच्छा पढ़ भी लो ना, ठीक है ना। मतलब आप 4 साल टाइम वेस्ट करोगे, घर से दूर भी रहोगे, यहाँ पर हॉस्टल की फीसें भी दोगे, खाना भी खाओगे, कपड़े भी खरीदोगे, सारा कुछ कर रहे हो ना, ये तो आप बड़ी सिटी में भी रह के करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अगर आपका कोई 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया ज़्यादा लग रहा है, मुझे मुझे पता है ये मतलब मेरी बात थोड़ी सी हो जाएगी कि यार आपके लिए शायद 2-4 लाख रुपया कुछ ना हो, भाई मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, मैं भी खुद मेहनत करता हूँ, अगर आप भी इस मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखते हो, कुछ नहीं होता,
मतलब आप पहले अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढो, अच्छा सिटी ढूंढो, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस बात का, ठीक है ना, कि आपको घर से पैसे मंगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हकीकत है, ठीक है ना, कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई होम ट्यूशन मिल जाएगी, या कोई आपको अगर कोई लैंग्वेज आती है तो आपको कोई ट्रांसलेटर की जॉब मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपको कुछ ना कुछ कोई मॉडलिंग की जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत सी जॉब्स होती हैं चाइना में जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमें कोई परमिशन की जरूरत भी नहीं होती, उसके लिए क्या होता है कि हमें अपनी हमारे अपने अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी तीसरा, हम इस बात को ज्यादा लंबा नहीं करते, हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो ये है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम बात करते हैं नंबर 4 जो हमारे पास पॉइंट आता है मेजर, ठीक है ना, कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी तो ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें हमारा मेजर नहीं मिलता, ठीक है ना, कुछ बार कोई मतलब कुछ कुछ दफा ऐसा भी होता है कि हमने यूनिवर्सिटी ढूंढ ली लेकिन उसमें हमारा जो रिलेटेड मेजर है वो नहीं मिल रहा। तो हाँ, एक और बात भी है कि हमें ऐसा भी हमारे साथ होता है कि यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, उसमें मेजर के रिलेटेड कोई एक कोर्स मिल जाता है हमारे, ठीक है ना। आपने ये काम नहीं करना, आपने ये देखना है यूनिवर्सिटी ढूंढते हुए, आपने ये भी देखना है कि ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो अच्छी है, शायद वो आपके मेजर के लिए अच्छी ना हो, ठीक है ना। अब आपका मेजर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मेजर है मैकेनिकल, अब मैकेनिकल के लिए मुझे मैकेनिकल की मतलब कि हाई रैंक यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, ना कि चाइना की एक अच्छी यूनिवर्सिटी, ये बात भी आपने कंसिडर करनी है, मतलब कि जब आप सर्च कर रहे हो इस बारे में तो आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि जब आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है ना तो उसमें क्या करना है कि आपने ये भी देखना कि वो मेरे मेजर के मतलब मेरे मेजर के लिए भी ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। आप अच्छी यूनिवर्सिटी तो ढूंढ लो, ठीक है ना, उसमें अच्छी एजुकेशन भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका मेजर के लिए वो अच्छी ना हो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे अब मेरी यूनिवर्सिटी है ये कुछ मेजर्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे मेजर के लिए बस जैसे क्या लेके सोसो है, ठीक है ना, कि मतलब बस गुजारा है। तो ये बात आपने सबसे ज्यादा जरूरी ये होती है कि जैसे अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए चाइना में जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी आती है वो ख्वाचों खची दाश है, ठीक है ना, ख्वाचों यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो नंबर 1 पे है, पहले नंबर पे है, ठीक है। और जो चाइना की नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी है वो बेजिंग बेजिंग ताशो है, ठीक है, उसको बीजिंग यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं कि एक होती है कि जो ऑल अबाउट मतलब कि ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज होती हैं उसकी रैंकिंग होती है नंबर 1 पे, ठीक है ना, एक होती है कि मेजर के रिलेटेड, आपने जो यूनिवर्सिटी ढूंढनी है वो मेजर के रिलेटेड ढूंढनी है, ठीक है ना, आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप बस ढूंढो, ओ वाह यार ये मतलब बीजिंग यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपका मेजर की पढ़ाई ना ठीक हो, ठीक है, वहाँ पे पहला बैच हो आपका, ठीक है, आपको टीचर्स जो बता रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा हो, ठीक है, और पहली दफा आपको पढ़ा रहे हो तो गए ना आप फिर। तो ये बात भी आपने कंसिडर करनी है कि जो जब आप यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो तो आपने अपना मेजर भी देखना है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, कि आपके जो पढ़ना चाहते हो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा भी या नहीं, ठीक है ना। और ये आपको मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं क्या नाम है, जो लास्ट हमारा जो है ना लास्ट जो पॉइंट है उस पे है कि स्कॉलरशिप इफ पॉसिबल, ठीक है ना, स्कॉलरशिप को देखते हैं हम, ठीक है ना। स्कॉलरशिप में अब है ना, स्कॉलरशिप पे एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, जिसमें बताऊंगा कि स्कॉलरशिप अब कैसे लेनी है 2022 में या 2023 में, जब भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो 2022 के बाद स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, ठीक है ना। अगर हमें एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है लेकिन उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, वहां पर मत जाओ, ठीक है ना, वहां पर मत जाओ भाई, मैं कह रहा हूँ वहां पे मत जाओ। उसकी रीजन क्या है कि स्कॉलरशिप तो आपको मिल जाएगी लेकिन यार आपका टाइम जाया होगा, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, वो जो डिग्री मिलेगी आपको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो क्या करोगे उस डिग्री का, स्कॉलरशिप का क्या करोगे यार, जब आपको कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, जब आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, जब आप वर्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अच्छी उस डिग्री को लेकर, तो फिर क्या करना है उसका। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि हमें स्कॉलरशिप मिल गई है तो बस आप हमारे जेहन पर इतना अच्छा इतना मतलब कि बोझ उसको सवार कर लें कि जी हमें स्कॉलरशिप मिल गई है बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ओ भाई, स्कॉलरशिप ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे देके भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है ना, कुछ अच्छा सीखो, अगर आप पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे भी, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ मतलब देखोगे कि यार फ्री में एजुकेशन मिल गया, स्टाइपेंड मिल गया है, वो तो अभी बहुत कम मिलता है ना, लेकिन अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि जी बैचलर के लिए हमें स्टाइपेंड दो, जी स्टाइपेंड दो, उसमें हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम बैचलर के लिए कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। तो
ये हमेशा नहीं सोचना कि हमें अगर स्कॉलरशिप मिल गई है तो नो मैटर कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है, बस हमें जी स्कॉलरशिप मिल गई है हम गए, ठीक है ना। ये बात आपने बिल्कुल नहीं, मतलब अपने जहन से निकाल देनी है, ठीक है ना। अच्छा पढ़ लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, पैसे दे के पढ़ लो, ठीक है। उसका फायदा भी होगा, उसका फायदा आपको आपको जो जब आप पढ़ रहे होगे ना, आपके स्टडी पीरियड में भी आपको फायदा होगा, और जब आप पढ़ के ग्रेजुएट हो जाओगे तब भी आपको फायदा होगा। ये मेरी बातें आप अपने पल्ले बांध लें, ठीक है ना। और इसके बाद अब एक और बात मैं आपको, मुझे बहुत से लोगों के एसएमएस आ रहे थे कि यार एंड कर रहा हूँ वीडियो का कि वीडियो नहीं बना पा रहा। उसकी रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट रीजन है कि हमारे अभी चाइना में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, ठीक है। इवन के 2019 में जो कोरोना के हालात थे ना, उससे भी बदतर। अब चाइना में कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे कोविड नहीं है। अब हम लॉकडाउन में हैं, तो लॉकडाउन की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत ही खराब हो चुकी है यार, ठीक है ना। कि कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा, मतलब कि ना एक उलझन सी फील होती है। सुबह जाओ कहीं ना, तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं ना, क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो जो ना रूटीन सारी खराब हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा टाइम भी है तो हम इस मौजू पे बात करें। क्योंकि यार बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं यार कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, यार कौन सी यूनिवर्सिटी में, भाई कोई अच्छी यूनिवर्सिटी। भाई मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मैं पूरा चाइना नहीं घुमाऊंगा। मैंने कुछ सिटीज घूमे हैं जिससे मुझे मतलब कि फील हुआ है कि मैंने गलती की है, ठीक है ना। क्योंकि वो मेरी जो गलती मेरे से जो हो गई, मैं नहीं चाहता कि आप भी करें, ठीक है ना। तो ये जो मैंने 5 से 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, इसको आपने दोबारा मेरे से सुन लें कि सबसे पहले आपने सिटी चूज करना है, उसके बाद आपने एरिया चूज करना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखनी है, थर्ड मतलब कि उसके बाद आपने जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आए वो आए के जनाब आपका मेजर, ठीक है ना। मेजर में जो आपकी जो मेजर आप पढ़ना चाहते हो उसमें वो यूनिवर्सिटी ठीक है भी या नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है स्कॉलरशिप इफ पॉसिबल, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको कहा कि हमें स्कॉलरशिप लेनी लेनी है, ठीक है ना, हमें स्कॉलरशिप चाहिए चाहिए, ठीक है ना। इस बात से थोड़ा बाहर निकले। शायद आपको मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। हाँ मिलेगी स्कॉलरशिप, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, हमें वो फॉलो करना होगा, जैसे मैंने कर रहा हूँ आपको भी करना होगा। मैं सेल्फ पे आया था, मैंने खुद अपने 1 साल की फीस दी है, उसके साथ अब मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। मैं कैसे स्कॉलरशिप पे हूँ मैं आपको एक वीडियो बना कर उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।